इतना आगे मत जा। अरे रुक जा भाई, हट जा भाई, हट। सर सर सर, आप कहाँ जा रहे हैं सर? एक्सलर में चलो जरा बाइट करने दो। अरे रुको रुको, अरे सर वो तो रुकना रुकना रुकना। अच्छा ले लो, आप फोटो ले लो, हो गया आपका फोटो ले लो सर। एक कॉमन बाइट कर दो सर। कुछ ही घंटे बाकी रह गए आपकी फिल्म रिलीज होने में, ऐसा लोग कह रहे हैं कि बहुत ही उम्मीद है आपके सर। एक सेकंड, बहुत ही उम्मीद है आपकी, आप कितने एक्साइटेड हैं आप इस फिल्म को लेकर? साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, नो नो नो। I'm really thankful to all my fans. I'm really thankful to Sajid ji, Sajid Qureshi. I would like to say thanks to the director Abhishek Dongra, the whole team. I would like to thank ke ye acha mahol taiyar hua, ke aaj bahut hi log ise pasand kar rahe hain, aur ummeed karta hu कि जैसा ये बज है और जैसे लोग चाह रहे हैं तो वैसे ये सुपर हिट निकलेगी। वरुण शर्मा एंड आपकी कैसी रही केमिस्ट्री? बहुत अच्छी, इस सच अ वेरी वेरी नाइस यंगस्टर्स में से जो जो एक्टर्स आए हुए हैं उसमें ही इज़ वेरी गुड। एंड मुझे उम्मीद है ऑल माय को स्टार्स इन दिस फिल्म, चाहे वो वरुण हो, चाहे दिगन्ना हो, चाहे परवलीन हो, चाहे विजेंद्र काले हो, everybody has done his act outstanding. madam aap kitne excited hain trailer ko lekar, kyunki mera to pet mein gole ghoom rahe hain. nahi nahi, picture dikha dekh ke aap log bataiye picture kaisa laga. aap log dekhne se industry mein kai sare kareebi dost hain aapko, aap chahenge ki kaun kaun aise kareebi dost hain jinko aap chahenge ki unko aap khud se aaye aur dikhaye cinema ghar mein? आई विल लेट यू नो दैट। बहुत आज तो मैं फिलहाल तो अभी ये लोग आए हुए हैं फिल्म देखने के लिए। आई वुड लव टू आस्क माई ऑल माई कलीग फैमिली फ्रेंड्स एंड जितने लोग घर परिवार के हैं, ख़ास तौर पे जो अच्छे प्रेमी हैं, मैं उन सभी के आई विल आस्क टू कम। सर एक आखिरी सवाल, ये ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया में हैशटैग मीटू की शुरुआत हो चुकी है। जी मीटू, अरे भैया इसको पहले यार ये लग रही है। इंटरव्यू कर ले मैडम, सर हमें एक इंटरव्यू कर ले उसके बाद। थैंक यू। ओके गुरु भाई एंड अभिना जी, कितने एक्साइटेड है आप फ्राइडे के लिए? एक्चुअली कल फ्राइडे है और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि गोविंदा सर की फिल्म है, हम सभी उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। मतलब अगर कॉमेडी की बात है तो आई थिंक वो किंग है। और जब भी घर पे भी देवीना हमेशा मुझे देखती है कि मैं कभी भी कॉमेडी का कुछ देखना हो तो गोविंदा सर की सारी फिल्में लगा देता हूँ, तो उनका वो दिन है। हम सुपर एक्साइटेड, हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। नो, हिज एक्टिंग इज़ लाइक अ बेंचमार्क फॉर राइट टाइमिंग, क्विक टाइमिंग एंड ऑल दो स्टफ। तो इसीलिए और इस फिल्म का जो ट्रेलर था विच बहुत एक्साइटिंग था, आई मीन गोविंदा, और मतलब ही इज़ नॉट लुकिंग ओल्ड, ही इज़ लुकिंग एट पार विथ टूडेज एक्टर, आई थिंक विच इज़ वेरी कमेंडेबल। तो यही देखने के लिए आए हैं। कश्मीर भी गए थे आप लोग, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? ब्यूटीफुल वादियाँ, हमने वीडियो बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत गर्मी है, यहाँ बहुत गर्मी है कश्मीर में। एक्चुअली मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि सबको कश्मीर जाना चाहिए। बहुत लोग वहाँ पे, जब भी मैं गया हूँ सब लोग यही बोलते हैं कि हम डर के मारे नहीं जाते, ऐसा बिल्कुल भी माहौल नहीं है। सबको मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि सब प्लीज़ कश्मीर जाएँ, और वहाँ पे इतनी खूबसूरत जगह है, वो जन्नत है, सही में सही मायने में जन्नत है। हमारे साथ में जो दोस्त गए थे वो भी बहुत डरे हुए थे कि कश्मीर में माहौल बहुत ख़राब होगा, लेकिन जब वो गए तो उनका नज़रिया बदल गया और वो सबको बता रहे कि कश्मीर जाना चाहिए, इट्स ब्यूटीफुल। पलटन के बाद क्या कुछ तैयारियां आपकी चल रही है, क्या कुछ बिग धमाका करने वाले हैं? बिल्कुल, बहुत सारा रोज़ जिम जा रहा हूँ, जिमनास्टिक्स कर रहा हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ, नरेशन ले रहा हूँ, कुछ अच्छी चीज़ें हैं और अच्छी चीज़ें हो रही हैं एंड सुपर एक्साइटेड। कौन सा
ऐसा कैरेक्टर मैडम जिसके रूप में आप इन्हें देखना चाहेंगे, क्योंकि हमने राम सीता देखा है, सैनिक बनकर पटन में हमने देखा। अगर राम सीता देखा तो ये रावण है, ये रावण ये तब से इंटरव्यू के बीच में फोटो चाहिए, इसको दे दो यार। कौन से कैरेक्टर में देखना चाहती हूँ? बहुत सारे कैरेक्टर में देखना चाहती हूँ, बिकॉज जिस तरीके से मैं इनको जानती हूँ आई थिंक बहुत लोग नहीं जानते, तो मैं एक गांव वाले के हिसाब से देखना चाहती हूँ। बिल्कुल गुरमीत बहुत बिल्कुल बहुत अच्छे से फिट होंगे, और बिकॉज एक्चुअली इनका जड़ है गाँव का, तो इसे ज़्यादा बहुत अच्छा कोई शायद ना कर सके। और विलेन के हिसाब से तो मैंने देखा हुआ है, पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने नहीं देखा है, समथिंग लाइक एन अलाउद्दीन खिलजी, गुरमीत कैन डू वेरी वेल। हम जल्दी ही देखेंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। हां यहां आते हैं जल्दी, बोल रहे हैं आगे मत जाओ, अरे मेरे को इंटरव्यू करना दो, अरे इंटरव्यू करने दो ले लो, अरे भाई इंटरव्यू अरे पिक्चर में है वो तो करना, अरे मुझे आने तो दो। बोलना चाहेंगे कि आपकी मूवी कुछ ही घंटों के बाद रिलीज होने वाली है जी, तो कितनी एक्साइटेड हैं आप? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट फिल्म का वो जो वाइब होता है वो हमेशा ही बहुत डिफरेंट होता है, यू नो इट्स जस्ट डिफरेंट फीलिंग। सारे फर्स्ट प्रीमियर, फर्स्ट सेटअप, फर्स्ट को एक्टर्स, फर्स्ट फिल्म डायरेक्टर, सो वेरी मच वेरी एक्साइटेड। ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस, जितने भी स्टार कास्ट हैं इस फिल्म में एंड यू? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, इनफैक्ट मेरे लिए फ्राइडे शूट करना वॉज नॉट लेस देन अ पिकनिक, क्योंकि गोविंदा सर, वरुण शर्मा, अभिषेक डोगरा, दिस इज जस्ट सच अ गुड टीम। आई मीन हम एक्चुअली सेट पे हंस हंस के गिर गए थे, सो इट्स वेरी गुड फन। सो अब अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में बहुत ही पॉपुलैरिटी है आपकी, राइट, एंड आप अपने फैंस के लिए बॉलीवुड में कुछ कहना? फैंस के लिए आई मेड दिस कमिटमेंट बिग बॉस करने के बाद कि मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगी, बट उसके बाद व्हाटएवर आई डू आई विल मेक इट अ पॉइंट कि मेरे जितने फैंस हैं, जितनी ऑडियंस है, वो प्राउड फील करें। एंड एक्चुअली ये ब्रेक थोड़ा लंबा हो गया, एंड ऑल दिस टाइम आई वाज सेइंग कि आई बी बैक, आई बी बैक, आई बी बैक। आई होप वो ये फिल्म देखें, दे फील प्राउड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हु इज मोस्ट सबसे ज्यादा कॉमेडियन कौन है, वरुण शर्मा एंड गोविंदा? नहीं पिक कर सकती, सी ऑब्वियसली गोविंदा सर इज अ लेजेंड, ओके, एंड वरुण इज वेरी फनी, तो मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर सकती, बट दे आर बोथ गुड। एंड एक आखिरी सवाल ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया में हैशटैग मी टू की शुरुआत हो चुकी जी, है जी, आप कितना सपोर्ट करती हैं? किसी भी लेवल का हरासमेंट गलत होता है, चाहे वो फिजिकल हो या सेक्सुअल हो, ये सारे जो मुद्दे उठ रहे हैं मेरा मुद्दों पे ओपिनियन नहीं है, बिकॉज आई थिंक इसलिए ज्यूरिसडिक्शन है कि वो एक कंक्लूजन पे पहुँचें कि क्या फेयर है, कौन राइट था, कौन नहीं है, बिकॉज इन अ वे अब यू नो हर इंसान जो उसमें इन्वॉल्व है, उसकी इमेज एंड लोग जो उसके बारे में बातें करते हैं वो मेंटली टॉर्चरस होती हैं, सो आई जस्ट वेट कि ज्यूरिसडिक्शन को इस बारे में क्या कहना है। बात रही मूवमेंट की, आई बिलीव इन सारी चीज़ों के लिए लोगों को उसी टाइम पे खड़े हो जाना चाहिए, इसके लिए आपको किसी पुश या फोर्स की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, यू शुड रेज योर वॉइस फॉर इट। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एंड गुड लक। थोड़ा सा जाने दीजिए।